ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वास्तु टिप्स की, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और पंडित जी, वैसे घर में क्या क्या रखना शुभ होता है और क्या रखना अशुभ होता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे हम आपसे। एक तो बहुत ज्यादा आपके घर में दरवाजे नहीं होने चाहिए, और तीन या तीन से अधिक दरवाजे एक सीध में नहीं होने चाहिए। यदि हैं तो उसको दोष को दूर करने के लिए एक हैंगिंग क्रिस्टल वहां लगा दीजिए, विंड चाइम्स भी लगा सकते हैं। कभी भी बीम के नीचे सिर करके नहीं सोना चाहिए। हस्बैंड वाइफ को हमेशा एक ही गद्दे पे सोना चाहिए। दो गद्दे पे सो रहे हैं तो डिस्टेंस बनी रहती है, एक गद्दे पे सोएंगे तो प्रेम बना रहेगा। घर के मुख्य द्वार के सामने शौचालय नहीं होना चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए। सीढ़ियां मुख्य द्वार के कभी भी सामने नहीं होनी चाहिए, आसपास नहीं होनी चाहिए। वंश बढ़ाने के लिए कछुए के ऊपर कछुआ रखिए। भवन निर्माण में भारी धन खर्च करने के बावजूद भी अगर सुख शांति नहीं मिलती, इसका मतलब दोष है, तो भूमि जरूर चेक करवाइएगा। अगर आपके घर के अंदर जो आपका बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, यदि वो वास्तु सम्मत नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसका एक कारण आपके घर में कलह कलेश के रूप में आपको दिख सकता है। घर के अंदर या तो आप एक जो अपनी रिंगिंग बेल जो होती है, घंटी होती है, वो घंटियों की आवाज़ ऐसे रखिए कि उसमें कोई मंत्र का साउंड होता हो, तो वो भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देता है। या 24 घंटे जो है बहुत मध्यम, बहुत हल्की आवाज़ में गायत्री मंत्र का जाप होता हो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता हो, कोई गणपति मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप होता हो, तो उसे बड़ा ही शुभ माना जाता है। उससे घर में पवित्रता आती है, सुख शांति समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूर्वोत्तर दिशा में झाड़ी नुमा पौधे लगाने चाहिए। मकान में रहने वाले लोगों को सूर्य के विकरण का लाभ मिलता है। ओवरहेड जो टंकी है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाई जानी चाहिए, लेकिन दक्षिण पश्चिम में कभी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता है इतने सारे छोटे छोटे उपाय एक साथ मिल जाए और आपके घर की नकारात्मकता हट जाए। तो चलिए अब ध्यान से सुनिए जो पंडित जी आपको बता रहे हैं, उन सभी को लिखते रहिए। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कुछ और भी उपाय। बेड के ठीक सामने मीटर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण के बने कमरों में कभी भी नहीं रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। सभी कमरों के फर्नीचर पैटर्न को समय समय पर बदलते रहिए। किचन के अंदर कलर कॉम्बिनेशन का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बेडरूम में पूजा का स्थान नहीं बनाना है, और घर का जो भीतरी जो हिस्सा होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दीवारें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कलर कॉम्बिनेशन का पूरा ध्यान रखिए। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं यदि वो अपनी स्टडी टेबल पे पानी का भरा हुआ गिलास रखें तो कंसंट्रेशन बढ़ती है। सड़क के टी पॉइंट को फेस करते हुए मकान जो होते हैं वो शुभ नहीं माने जाते हैं, तो एक वहां भगवा मिरर आप लगा सकते हैं। खिड़की दरवाजों को सुबह के समय में खोल के रखिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी आती रहनी चाहिए। किचन में कुकिंग गैस और वॉशिंग सिंक के बीच में ज्यादा से ज्यादा दूरी को मेंटेन कीजिए। पूजा जो है वो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करनी चाहिए या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करनी चाहिए। घर के अंदर टूटा हुआ शीशा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सीढ़ियाँ जो हैं वो क्लॉकवाइज बनी होनी चाहिए, और प्रत्येक समूह में सीढ़ियों की जो संख्या है वो हमेशा विषम होनी चाहिए। चलिए दोस्तों भी आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से कुछ और टिप्स भी जान लेते हैं। घर में दरवाजों की संख्या सम संख्या में जैसे 2, 4, 6, 8 हो तो बड़ी शुभ मानी जाती है। कोई भी घर हो, जमीन हो, तो देखिए उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते हुए ध्यान रखिए कि आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसको हल्का रखिए और जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है उसको भारी रखिए। उत्तर पूर्व और पूर्व उत्तर दिशा में कभी भी बड़े पेड़ नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उससे पॉजिटिव एनर्जी रुकती है। आपके घर में स्लोप का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जो स्लोप है वो हमेशा पूर्व और उत्तर जो है वो नीचे होनी चाहिए, पश्चिम और दक्षिण जो है वो ऊपर होना चाहिए। घर का जो मुख्य द्वार है उस पर शुभ चिन्ह जैसे शुभ लाभ हुए, रिद्धि सिद्धि हुई, वो जरूर लगा के रखिए, इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजा स्थल पर एक जटा वाला नारियल हमेशा रखना चाहिए।
घर में सजावट में हाथी, रीछ, ऊंट को सजावटी खिलौने के रूप में उपयोग करना अशुभ माना जाता है। ऐसा शयन कक्ष जिसमें दंपति सोते हों, वहां हंसों के जोड़े अथवा सारस के जोड़े के चित्र को लगाना अति शुभ माना गया है। घर के ईशान कोण पे कभी भी कूड़ा करकट इकट्ठा मत होने दीजिए और अपना जो भगवान का स्थान है वहां पे अस्त्र और शस्त्र कभी नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण जो है बड़ा शुभ होना चाहिए, पूजा का स्थान होना चाहिए। झाड़ू पोछा कूड़ादान ईशान कोण के अंदर कभी नहीं रखना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। संध्या समय में जिसे हम गोधूली वेला कहते हैं उस समय में घर में झाड़ू पोछे का काम कभी नहीं करना चाहिए। और घर में घुसते ही प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ कभी भी जूते चप्पल मत रखिए, ये ध्यान रखिए। घर में टूटे दर्पण, टूटी टांग का पाटा, ये जो अपन बैठने के काम में लेते हैं, या किसी बंद मशीन का होना सुख समृद्धि की दृष्टि से अशुभ कारक माना जाता है। बेसमेंट में परिवार के किसी भी सदस्य की फोटो को मत लगाइए और देवी देवताओं की मूर्ति भी मत लगाइए वहां पे। एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, तीन व्यक्ति आपके घर के तीन सदस्य हैं, उनकी तीनों की एक एक पिक्चर हो तो कभी भी एक सीध में नहीं लगानी चाहिए उसको, ये ध्यान रखिए। अगर दीवार पर कोई फोटो लगाना हो तो उसके नीचे एक लकड़ी की पट्टी लगा दीजिए, सीधा दीवार पे मत लगाइए, लकड़ी की पट्टी लगा दीजिए, उससे भी बड़ी पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर बनी रहती है। तो आशा है कि आप सभी ने इन टिप्स को समझा होगा और अपने दैनिक जीवन में इन टिप्स को आप अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। इसी कामना के साथ में जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उतने महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स बताने के लिए घर से संबंधित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।